Welcome you all guys in GK Beat. Today we gonna learn about the concept of equivalent. So what is a equivalent concept? So equivalent concept हम लोग किसको बोलते हैं? Equivalent concept. तो ये equivalent concept होता क्या है friends? कि इसको आप लोगों ने पहले लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में पढ़ा होगा, या लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस किसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है friends? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, दैट मींस कोई भी रिएक्शन होगा. फॉर एग्जांपल हम लोग क्या ले लेते हैं कि बेरियम क्लोराइड है और आपका ये रिएक्शन सोडियम सल्फेट से कर रहा है, दैट मींस Na2SO4. और जब ये रिएक्शन होगा तो ये फॉर्म क्या करेगा, बेरियम सल्फेट प्लस आपका फॉर्म करेगा NaCl. क्या फॉर्म होगा? NaCl, ठीक है फ्रेंड्स. तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोलता है कि बोलता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम क्लोराइड इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम सल्फेट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम सल्फेट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaCl. दैट मीन्स हर एक का जो आपका ग्राम इक्विवेलेंट होता है या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2, ये किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2SO4. और ये किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम सल्फेट. और ये आपस में किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaCl. तो ये होता है लॉ ऑफ जो केमिकल इक्वेशंस में हम लोग पढ़ते हैं कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यही होता है कि हर एक का ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, बराबर होता है. तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग दूसरे वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर हम लोग सपोज दैट क्या हो जाए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, हर एक को अगर हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, वॉल्यूम से, किससे डिवाइड कर दें, वॉल्यूम से, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मेलिटी आ जाएगा. सपोज दैट इसका वॉल्यूम से इसको वॉल्यूम, तब ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी. तो दैट मीन्स अगर हम लोग को पूछा जाए कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये नॉर्मेलिटी फैक्टर होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. दैट मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इन लीटर, ये आपका क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है. दैट मीन्स एन इक्वल टू आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम. तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट किसी सॉल्यूशन के लिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं, सपोज पहला है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबका बराबर है, दैट मीन्स N1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, N2V2. और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, N3V3. और ये किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, N4V4. जो आपका चार यहाँ है, ये चारों का N1V1 क्या रहेगा, NV इक्वल रहेगा. ये आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है. उसके अलावे फ्रेंड्स एक और तरीका होता है, ये तो आपका किसी सॉल्यूशन मीडियम के लिए हो गया. दूसरा एग्जांपल क्या होता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपका फ्रेंड्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, वेट बाय क्या होता है आपका फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट वेट. वेट बाय क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है. तो सपोज दैट हम लोग क्या मान लेते हैं कि वेट है, और इक्विवेलेंट वेट जो आपका फ्रेंड्स होता है कि किसी का भी अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वो क्या होगा आपका फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर वेट बाय क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर. क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं, नॉर्मेलिटी फैक्टर, ठीक है फ्रेंड्स. इसको वैलेंसी फैक्टर या नॉर्मेलिटी फैक्टर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर हो गया. दैट मीन्स यहां से अगर हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर बाय क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट. क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट. दैट मीन्स वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आ जाता है फ्रेंड्स आपका,
कि अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो उससे हम लोग वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो यहाँ पे आपका होगा नॉर्मेलिटी वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर दोनों को हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो ये आपका क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर क्या हो जाता है मोलरिटी, तो मोलरिटी इंटू क्या हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में, हम लोग ऐसा भी यू फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि कहीं पे जैसे आप इसी इक्वेशन को क्या था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को n1 v1 लिखे थे, तो यहीं से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर बाय मॉलिकुलर वेट, जैसे इसी इक्वेशन के लिए निकालना होता तो ठीक है फ्रेंड्स हम लोग क्या लिखते हैं वेट 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर अब बाय हम लोग क्या लिखते हैं मॉलिकुलर वेट ऑफ 1, ये क्या हो जाता सम सिमिलरली फ्रेंड्स W2 बाय हम लोग का M2 इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है एक वैलेंसी फैक्टर क्या होती है, हर एक इक्वेशन के लिए कहीं भी हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उसके लिए क्या जरूरी है वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना। तो अब ऊपर वाले रिएक्शन को हम लोग एक बार और ध्यान से देखते हैं, तो आपका क्या था बेरियम क्लोराइड था, अब प्लस आपका क्या होता है Na2SO4, ये क्या फॉर्म करेगा फ्रेंड्स आपका BaSO4, अब प्लस आपका क्या फॉर्म करेगा NaCl। तो यहां से ध्यान से देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड का अगर हमको क्या पूछा जाए कि वैलेंसी फैक्टर क्या होगी, तो हम लोग देखते हैं बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सपोज दैट इसको x मानते हैं, क्लोरीन क्या होता है -1 और दैट मींस -2 हो जाएगा, दो क्लोरीन का 0 के बराबर हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया +2, दैट मींस बेरियम किस स्टेट में है +2 में। सिमिलरली सोडियम का निकालेंगे तो यह क्या रहेगा +1 में रहेगा। तो अगर इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 और कितना बेरियम है 1 है, दैट मींस क्या हो जाएगा 2 × 1, क्योंकि एक ही बेरियम है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 2 हो गया। सिमिलरली यहां पे इसके लिए अगर हम लोग वैलेंसी फैक्टर चेक करें ठीक है क्या होगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर Na2SO4 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि इसमें जो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या है +1 है और कितना सोडियम है 2 सोडियम है, दैट मींस 1 × 2 क्या हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर इसका भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको नेगेटिव चार्ज से भी देखते हैं तो एक क्लोरीन है -1 होता है 2 क्लोरीन है इसलिए क्या हो जाएगा -2, तो यहां भी वैलेंसी फैक्टर अगर हम लोग निगेटिव आयन से भी देखें तो भी वही होता है। या सिमिलरली SO4 किस स्टेट में होता है आपका -2 स्टेट में होता है ठीक है फ्रेंड्स, दैट मींस वैलेंसी फैक्टर क्या निकल जाएगा हम लोग का 2 निकल जाएगा। ये नॉर्मल आपका एसिड बेस रिएक्शन होते हैं जिसमें किस तरह से वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। उसके अलावे अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग रिएक्शन रहे तब क्या होगा, जैसे हम लोग निकालते हैं कि Fe2+ है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, तो हम इसका किससे रिएक्शन करा रहे हैं MnO4- से करा रहे हैं ठीक है फ्रेंड्स। सपोज दैट मीडियम हम लोग क्या ले लिए एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम को हम लोग H+ से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाता है Fe3+ है और प्लस ही आपका क्या दिया हुआ है Mn2+ प्लस आपका H2O फॉर्म हुआ ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहां देखते हैं कि यहां हम लोग वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, Fe2+ है ये किस में कन्वर्ट हो गया Fe3+ में कन्वर्ट हो, दैट मींस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है, अगर हम लोग यहां पे देखें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना का चेंज हुआ 3 − 2, 3 में था -2, दैट मींस कितना का चेंज आया 1 का चेंज आया है, और है यहां पे कितना 2 है या एक है फ्रेंड्स, यहाँ कितना है एक ही है Fe, दैट मींस 1 × 1 कितना हो जाएगा इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, दैट मींस अगर Fe2+ का वैलेंसी फैक्टर पूछा जाए तो कितना होगा हम लोग का फ्रेंड्स 1। सिमिलरली MnO4 देखते हैं तो MnO का पता नहीं, तो सपोज दैट इसको हम लोग x मान लिए और 4 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा -8 = चार्ज कितना -1 के बराबर, तो यहां से x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स +7, तो Mn में देखते हैं ये क्या है +7 में है, और यहां पे अगर Mn का देखते हैं तो ये किस में है +2 में, दैट मींस चेंज यहां से यहां तक में कितना का चेंज हुआ है फ्रेंड्स 5 का चेंज आया है, कितना का चेंज आया 5 का, और कितना Mn है 1 ही है, कितना Mn है 1 है, दैट मींस वैलेंसी फैक्टर आपका क्या हो जाएगा 5 × 1 5 हो गया, ये तो H+, दैट मींस यहां पे MnO4 के लिए वैलेंसी फैक्टर देखा तो कितना हो गया 5 हो गया, अगर इसका आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना होता तो इसका कितना हो जाएगा 5। इसके अलावा एक और हम लोग रिएक्शन देखते हैं कि जैसे आपका है कि Cr2O7 2- है, क्या है Cr2O7 2- है,
प्लस इसका हम लोग जो है ना किसी भी एसिडिक मीडियम में अगर चेक करें कि सपोज दैट इसी का हम लोग किससे करा दिए, फिर से एफ ई प्लस से करा दिए, क्या करा दिया, एफ ई टू प्लस से, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, एच प्लस में, तो यहाँ आपका क्या होगा कि ये आपका क्रोमियम जो है ये थ्री प्लस में आ जाता है, प्लस एफ ई भी आपका किस में आ जाएगा, थ्री प्लस में आ जाएगा, और प्लस आपका क्या फॉर्म होगा, एच टू ओ। तो यहाँ फिर से अगर हम लोग एफ ई का देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना का चेंज आया, वन का, और कितना एफ ई है, वन है, दैट मीन्स यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, दैट मीन्स एफ ई का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, इसका वैलेंसी फैक्टर वन हो गया। सिमिलरली इसका वैलेंसी, तो एफ ई का वैलेंसी फैक्टर निकल गया एफ ई टू प्लस का, अब हमको सी आर ओ सेवन का इसका वैलेंसी फैक्टर देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्रोमियम का कितना है, सपोज दो क्रोमियम है तो इसको हम क्या मान लिए, टू एक्स, माइनस कितना है, सेवन ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, फोर्टीन इक्वल टू माइनस टू, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस सिक्स, दैट मीन्स क्रोमियम यहाँ पे कितना है, प्लस सिक्स में, और कन्वर्ट होकर कितना पे चला गया है, प्लस थ्री पे, दैट मीन्स चेंज इसमें कितना आया है, थ्री का चेंज आया, और यहाँ पे है कितना क्रोमियम, दो क्रोमियम है तो थ्री इंटू टू क्या हो जाएगा, सिक्स, दैट मीन्स यहाँ पे सी आर टू ओ सेवन का वैलेंसी फैक्टर अगर हम लोग देखें तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, सिक्स। सिमिलरली सी आर ओ सेवन टू माइनस का निकाल लिया, फिर टू प्लस का, अगर हमको सी आर थ्री प्लस का वैलेंसी फैक्टर पूछा जाता दैट मीन्स हमको किधर से आना पड़ेगा, इधर से इधर आना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्रोमियम का देखते हैं प्लस थ्री है और यहाँ पे कितना है, प्लस सिक्स है, दैट मीन्स चेंज कितना का हुआ है, सिक्स का, सिक्स क्या होगा, प्लस थ्री से इंक्रीज होकर सिक्स चला गया है, दैट मीन्स थ्री का चेंज हुआ है, और यहाँ पे कितना क्रोमियम है, वन क्रोमियम है, ठीक है फ्रेंड्स, कितना क्रोमियम है, वन है, तो ये क्या हो गया, थ्री, दैट मीन्स इस सी आर थ्री प्लस का वैलेंसी फैक्टर अगर पूछा जाए ये आपका क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखना है कि इसमें क्रोमियम का निकालिए, एफ ई टू प्लस का निकालिए, सी आर थ्री प्लस, या फिर सिमिलरली एफ ई थ्री प्लस का देखेंगे तो हमको वापस फिर से इधर आना पड़ेगा, तो एफ ई थ्री प्लस से एफ ई टू प्लस कितना का चेंज हुआ है, वन का चेंज हुआ है, और यहाँ पे कितना है, वन ही है, तो दैट मीन्स इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, वन, क्योंकि चेंज भी ऑक्सीडेशन में वन का हुआ और नंबर ऑफ एफ ई टू थ्री प्लस है भी कितना, वन, तो वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो गया, वन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से किसी भी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग रिएक्शन में किसी का भी वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होता क्या है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर हम लोग जनरली वैलेंसी फैक्टर लिखते कैसे हैं कि डेल्टा चेंज, डेल्टा से क्या दिखा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना ऑक्सीडेशन इक्वल इनटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, ये आपका होता है वैलेंसी फैक्टर। जैसे सी आर थ्री, सी आर टू है, यहाँ दो एटम है इसलिए हम इसको क्या किए, सिक्स से थ्री हो रहा था तो थ्री का चेंज हुआ और इसको टू से मल्टीप्लाई किए क्योंकि यहाँ दो एटम है, लेकिन यहाँ कितना एटम है, वन है, इसलिए इसका क्या हो गया, थ्री ही रह गया। तो आई होप यू फ्रेंड्स कि आपको ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्या होता है। इसको अगर हम लोग शुरू से थ्रू आउट देखें तो वैलेंसी फैक्टर अगर हमको निकालने आ गया और नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग दो फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एक तो आपका ये हो गया वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट W2 बाय M2 इनटू वैलेंसी फैक्टर, दोनों का वैलेंसी फैक्टर यू हमको पता कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक का वेट दिया रहेगा दूसरे का वेट निकाल सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया फ्रेंड। दूसरा जो हम लोग नॉर्मल टाइट्रेशन में यूज करते हैं या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में करते हैं, दैट इज अ नंबर ऑफ मोल, दैट इज ये क्या आपका नॉर्मलिटी है, ये क्या है नॉर्मलिटी, एन वन इंटू वी वन इक्वल टू एन टू इंटू वी टू, और ये नॉर्मलिटी आती कैसे है मोलरिटी के टर्म में अगर हम लोग निकालना चाहें, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि नॉर्मलिटी आपकी क्या हो जाती है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, दैट मीन्स इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मोलरिटी एम वन इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वी वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी एम टू इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर इंटू इसका वॉल्यूम वी टू। तो इस तरह से हम लोग इन तीन स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। आई होप यू फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जरूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।